बिलासपुर प्रेस क्लब में आज नफरत छोड़ो भारत जोड़ो का नारा बिलासपुर से बुलंद होकर पूरे देश में गूंजेगा को लेकर चर्चा हुई। मार्च महीने में बिलासपुर में प्रस्तावित राज्य स्तरीय सम्मेलन में राष्ट्रीय अध्यक्ष तारिका अनवर होंगे शामिल। बिलासपुर ऑल इंडिया कौमी तंजीम के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद अहमद ने आज बिलासपुर प्रेस क्लब में पत्रकारों से चर्चा करते हुए जानकारी दी कि ऑल इंडिया कौमी तंजीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष तारिक अनवर आगामी मार्च महीने में नफरत छोड़ो भारत जोड़ो अभियान के तहत बिलासपुर में प्रस्तावित राज्य स्तरीय सम्मेलन में शामिल होंगे। राष्ट्रीय संगठन महासचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मार्च महीने में प्रस्तावित सम्मेलन में विभिन्न समाज के संत धर्मगुरु समाज सुधार भी इसमें शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ स्तरीय सम्मेलन की तैयारियां शुरू कर दी गई है। किसी भी पार्टी या समाज के लोग जो नफरत फैलाने वाली शक्तियों के खिलाफ भारत में संघर्ष करना चाहते हैं वह सब इस सम्मेलन में आमंत्रित हैं। उन्होंने कहा कि उन सब का मकसद नफरत छोड़ो भारत जोड़ो का ही होना चाहिए। इसके जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तारिक अनवर साहब उनके नेतृत्व में काम कर रही है और हमारा पहले दिन से ये उद्देश्य है कि देश से नफरत को ख़त्म किया जाए और मोहब्बत का प्रचार किया जाए। इसीलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक नारा दिया, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। और हमें बड़ी खुशी है कि इस नारे को कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष रहे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी ने इस नारे को बढ़ाया और देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को बताया कि हम नफरत के खिलाफ खड़े होना चाहते हैं। हम गांधी, मौलाना आज़ाद, स्वामी विवेकानंद, शहीद भगत सिंह, अशफाकुल्ला खान और वीर अब्दुल हमीद जैसे भारत के जो सपूत थे जिन्होंने भारत की एकता अखंडता के लिए काम किया, हम उनकी नीतियों के साथ खड़े होना चाहते हैं। कौमी तंजीम का भी यही मकसद है कि इन नीतियों के साथ खड़े हुआ जाए और इसके लिए हम पहले दिन से प्रचार कर रहे हैं। इससे पहले हमने छत्तीसगढ़ में शहीद स्मारक भवन में एक बड़ा प्रोग्राम किया था जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आए थे और अलग अलग धर्म गुरु भी आए थे और सब ने इस नारे का स्वागत किया, सब ने अपनी सहमति जताई और सब ने कहा कि बहुत अच्छा काम हो रहा है, तारिक साहब आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। और हमें खुशी है कि कल भी हमारी जो स्टेट कार्यकारिणी है छत्तीसगढ़ की, वहाँ के काफ़ी लोग आए, महिलाएं भी आई, पुरुष भी आए, अलग अलग समाज के लोग आए और सब ने इसका स्वागत किया और अपनी सहमति जताई। बिलासपुर में भी हम मार्च के महीने प्रस्तावित एक प्रोग्राम करना चाहते हैं जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे और वो तमाम लोग जो नफरत छोड़ो भारत जोड़ो में विश्वास रखते हैं, उनका ताल्लुक किसी जात से हो, किसी समाज से हो, किसी धर्म से हो, किसी समाज के धर्म गुरु हो या ना हो, उन सब का स्वागत है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, लेकिन ज़रूरी यह है कि वो इस नारे से सहमत हो कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो के साथ काम करना चाहते हैं। और इसमें हमारे पूरे छत्तीसगढ़ के लोग आएंगे और भी प्रदेशों से लोग आ सकते हैं अगर आना चाहते हैं, लेकिन ज़रूरी यही है कि वो इस नारे से सहमत हो कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो के साथ वो काम करना चाहते हैं। हमारा यही उद्देश्य है और मार्च के महीने में मालिक ने चाहा तो एक बड़ा प्रोग्राम बिलासपुर में रखा जाएगा जो प्रांतीय अधिवेशन होगा, पूरे छत्तीसगढ़ के लोग उसमें आएंगे।